हमारे चैनल सारिकाज रियल लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं। और आज मौसम है बहुत ठंडा और मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बैंगन का भरता बनाती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने एक बैंगन ले लिया है कुछ इतने साइज का। इसमें मैंने सरसों का ऑयल लगा लिया था चारों तरफ और इस तरह से एक जाली रख के उसको गैस पे भुनने के लिए रख दिया है। ये भरता मैं सिर्फ दो लोगों के लिए ही बना रही हूँ इसलिए मैंने एक ही बैंगन लिया है। चारों तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। आप चाहे तो इसे बॉईल करके भी बना सकते हैं मगर मैं इसे भून के ही बना रही हूँ। मैंने काफ़ी देर से ये रखा हुआ था, हो गए थे इसको 5-7 मिनट। तो देर तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाए तब तक इसे भूनते रहेंगे। ये पक ही गया है, थोड़ा सा ऊपर से मैं यहाँ से भी भून लूँगी। अब इसको उतार लेंगे। भून जाने के बाद एक बर्तन में साफ पानी ले लेंगे। तो मैंने एक बर्तन में साफ पानी ले लिया है। अब जितना भी ये काला है इसके छिलके को इजीली उतारने के लिए इसको साफ पानी के बर्तन में डाल के छिलकों को हाथ से उतारेंगे क्योंकि अभी बैंगन गर्म भी है। और बैंगन जो है उसके छिलके अच्छे से निकाल लिए हैं, अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे मैं इसमें बैंगन में जो जो डालूँगी भरते में वो मैं आपको बताती हूँ। ये है हरी मटर कुछ इस तरह से, और मैंने ले लिए हैं दो प्याज, एक टमाटर, कुछ लहसुन की कलियाँ, और ये मेरे पास कुछ प्याज के पत्तियाँ भी पड़ी हुई थी, स्प्रिंकल अनियन, तो मैंने ये भी ले लिया है। टमाटर, प्याज और ये लहसुन को सबको चॉप ही करूँगी चॉपर में। तो मैं इन सबको चॉप कर लेती हूँ फिर आगे मैं दिखाती हूँ बैंगन का भरता बनाते हुए। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। मैंने लहसुन और प्याज एक ही में चॉप कर लिया था एक साथ, और यह है प्याज की पत्तियाँ, और हरी मिर्च भी मैंने कट कर ली थी दो, और यह है चॉप किया हुआ टमाटर। आप चाहे तो प्योरी बना सकते हैं टमाटर प्योरी, आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सारा सामान चॉप करके ही इसमें डालूँगी। और ये है बैंगन। बैंगन को मैं थोड़ा सा मिक्सी में पीस लूँगी, हल्का सा, बहुत कम। तो मैं इसको पीस लेती हूँ और फिर बनाती हूँ बैंगन का भरता। तो मैंने कुछ इतना ही मिक्सी में इसको चला लिया था। कढ़ाई मैंने गैस में रख दी है और मैं इसे बनाऊंगी सरसों के तेल में क्योंकि सरसों के तेल में बनी हुई सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। हम तो सरसों का ही तेल खाते हैं। तेल गर्म हो गया है, धुआं आने लग गया है, तो गैस को कर लेंगे कम। और मैंने कुछ इतना सा जीरा लिया हुआ है तो अब इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा गर्म हो गया है तेल तो मैं थोड़ी देर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। देखिए धुआं निकल रहा है। पूर कर दूंगी जीरा। जीरा जैसे ही तिड़कता है इसमें ऐड कर देंगे प्याज और ये लहसुन। अच्छी तरह से करते रहेंगे। गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी थी क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। मैं गैस को फिर से ऑन कर लूँगी। इसमें स्वाद के साथ यहाँ पे मैं ये हरी मिर्च और ये प्याज, पत्ती वाला प्याज था, स्प्रिंकल अनियन, इसको भी यहीं पे ऐड कर लेती हूँ। यहीं पे ऐड कर लूँगी क्योंकि प्याज के साथ साथ मटर भी अच्छी तरह से पक जाएगी, नहीं तो प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और उसे फिर पकाने के लिए मुझे ज़्यादा प्याज को पकाना पड़ेगा। तो प्याज जितना ब्राउन होगा इतने में मटर भी पक जाएगी। तो मैं तो इसी समय ही ऐड करती हूँ मटर को भी ताकि मटर भी प्याज के साथ साथ अच्छी तरह से पक जाती है। मटर को पकाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक, अभी ज़्यादा नहीं, अभी कुछ इतना सा ही नमक ऐड करूँगी ताकि प्याज और मटर थोड़ा अच्छे से पक जाए। इसको
इसको अच्छे से चला लेंगे। अगर आपकी पकती है तो बाहर भी गिर जाती है, तो बाहर गिरी है। वैसे तो मटर सॉफ्ट है आजकल, बहुत ताज़ा मटर आ गया है सर्दियों के दिन में, तो जल्दी पक जाती है। पर कभी कभी मटर जब उसमें हम टमाटर डाल देते हैं एकदम से, तो मटर थोड़ा सा कच्ची रह जाती है। इसलिए मैं पहले मटर पकाऊंगी, बाद में इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो मटर पकाने के लिए मैं थोड़ी देर इसको कवर करके रख दूँगी। बीच में एक बार चेक कर लेती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हल्का प्याज और थोड़ा भूनने देंगे, थोड़ा और हल्का सा ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से। तो फिर से मैं इसमें कवर लगा लेती हूँ। बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि प्याज जले नहीं। अच्छे से ब्राउन होने पर ही मैं प्याज को पकाऊंगी। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है और मटर भी पकी गई है। लूंगी ये टमाटर, और इसको अच्छी तरह से कर लूंगी मिक्स। साथ के साथ में इसमें मसाले भी ऐड कर लूंगी। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है, बहुत तीखी वाली है, दो हरी मिर्ची डाली हुई थी। तो ये है लाल मिर्ची पाउडर, तीखी, घर का भी थोड़ा ही है, तो मैं थोड़ी ही इसके अकॉर्डिंग ही मसाले ऐड करूँगी इसमें। ये मैंने ऐड की थी तीखी लाल मिर्ची पाउडर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे सब्जियों में कलर काफ़ी अच्छा आता है, तो मैं इसको हमेशा सब्जियों में यूज़ करती हूँ। कर लूँगी अच्छी तरह से। हल्दी कुछ इतनी सी ही, काफ़ी तेज़ है ये हल्दी पाउडर, तो मैं थोड़ा ही ऐड करूँगी। अच्छे से कर लूँगी मैं, कर लूँगी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मैंने पहले भी डाला है, तो मैं कुछ इतना सा ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। गैस की अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन मसालों को मटर के साथ अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देंगे और कवर करके रख देंगे। तो मैं कवर कर लेती हूँ, तब तक मसाले भी पकेंगे और साथ के साथ हमारी मटर भी उसमें पक जाएगी, टमाटर भी। मैं तो कुछ इसी तरह से बनाती हूँ, तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, सबकी अलग अपनी अपनी रेसिपी होती है। कुछ किसी तरह से बनाते हैं, कोई किसी तरह से बनाते हैं। बीच बीच में सब्जी चेक कर लेंगे, तो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार ताकि मसाले नीचे ना लगने पाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देखती हूँ मटर पकी नहीं की पकी। पक गई है मटर, है सॉफ्ट पक गई है मटर, तो हल्की सी रह रही है कोई कोई। दबा के चेक कर लूँगी मटर पकी है कि नहीं पकी है। मोस्टली मटर अधिकतर पकी गई है, मगर मसाला अभी मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी ताकि जब तक ऑयल ना छोड़ दे तब तक मैं इनको पकाऊंगी। फिर से कवर करके रख लूँगी और अच्छी तरह से इसे पकने के लिए रख दूंगी। तो मसाले में से ऑयल निकल चुका है, मीन्स मसाला अच्छी तरह से पक गया है। यहीं पे मैं ऐड कर लूँगी ये पिसा हुआ बैंगन, यानी कि बैंगन को ऐड कर लूँगी। ये मैं सिर्फ दो लोगों के लिए ही बना रही हूँ, इसलिए कुछ कम बन रहा है। अभी मैं एक सब्जी और बनाऊंगी, कल है कवर करके रख दूंगी। और थोड़ा बैंगन के मसाले अच्छी तरह से मिल जाए, कुछ इतना पकाऊंगी।
गैस को हल्का सा कम कर दूंगी। सब्जी को एक बार बीच में चेक कर लेंगे, तो चेक कर लेती हूँ सब्जी कहीं लगी तो नहीं है, मगर पकी भी है कि नहीं तो थोड़ी देर में इसे और पकाऊंगी। मटर तो पहले ही पक ही चुके थे, थोड़ा सा सारे मसालों का फ्लेवर भरते में अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए और बैगन भी हमारा अच्छे से और अच्छी तरह से मसालों में भून के पक जाए। कुछ इतना ऐसे पकाएंगे, थोड़ी देर और पकाऊंगी 2-3 मिनट, अच्छे तो से कवर करके रख लेती हूँ। तो चेक कर लेती हूँ एक बार पके के ऊपर। तो भरता अच्छी तरह से पक गया है, यहीं पे डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल लिया है और इसको अच्छे से चला लेंगे। धनिया की खुशबू जो है, धनिया का फ्लेवर पूरी सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और यहाँ पे इसे कवर करके डाल देंगे। तो बन गई है मेरी सब्जी, बैंगन के भरते की सब्जी बन चुकी है। अभी आपको दिखाती हूँ सर्व करके। बैंगन का भरता बन के तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारे आज की ये रेसिपी? ये बैंगन के भरते की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।